अपने आप से लड़ने की ताकत अपने अंदर पैदा करो, तुम पूरी दुनिया से लड़ जाओगे। तालीम की जड़ें कड़वी होती है, लेकिन इसका फल हमेशा मीठा ही होता है। मंजिलें कभी किसी के घर जाकर दस्तक नहीं देती, रास्तों पर चलने से ही रास्ते निकल आते हैं। मेहनत और कोशिश आपको वो सब देती है जिसके आप हकीकत में हकदार होते हैं। हालात और वक़्त की तब्दीलियों से बदलने वाले ताल्लुकात से बेहतर है कि इंसान तन्हा ही रहे। उस शख्स की कदर करो जो तुम्हारी वजह से मुश्किलात से लड़ रहा हो। पैसे से हासिल की जाने वाली तालीम कभी फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। आप से जलने वाले और आपका दोस्त आपके दुश्मन से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। सख्त अल्फाज हमेशा वो शख्स इस्तेमाल करता है जिसके पास आपको देने के लिए दलाइल बहुत कम होते हैं। बुरे वक्त को हमेशा याद रखो ताकि तुम अच्छे वक्त की हमेशा कदर कर सको। इंसान को इतनी समझ ज़रूर होनी चाहिए कि इसे कब बोलना चाहिए और कब खामोश रहना चाहिए। बाज़ औक़ात बदला लेने से बेहतर होता है कि किसी नामुनासिब बात को नज़रअंदाज कर दिया जाए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। लोगों की नज़रों में अपनी अहमियत जानने के लिए अपने कारकर्दगी का जायज़ा लिया करें। आपकी आदतें इस बात की वजाहत करती है कि आप कौन हैं। तन्हा रहने वाला और तन्हा जीने वाला इंसान हर तरह के हालात का सामना करने का अहल होता है। अपने आप में वो तब्दीलियाँ लाओ जो आप दुनिया में देखना चाहते हो। आप किसी जाहिल को ये कैसे यकीन दिलाएंगे कि वो जाहिल है, जबकि उसे खुद ये पता ना हो कि वो जाहिल हो। लोगों को आपसे नहीं आपके पास चीज़ों से मतलब होती है। आपका हर ख्याल आपके किरदार का मुस्तकिल हिस्सा बन जाता है। वो लोग जिनके पास बोलने को बहुत कुछ होता है, वो आम तौर पर मुख्तसर तरीन लफ्ज़ों का इंतखाब करते हैं। गलती का एहसास होना इसकी इस्लाह की इब्तिदा होती है। कोई इंसान अपने मर्तबों की वजह से अजीम नहीं बनता, बल्कि किसी भी इंसान को अजीम इसका किरदार बनाता है। ज़रूरतों ने बहुत से लोगों को मतलबी बना दिया है। बुरे वक्त से ख़ुद को वही शख्स बचा सकता है जो बुरे वक्त से आगाह रहता है।